आंखों के लिए आंखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण पार्ट है, इनका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो आंखों के अंदर जो आई बॉल से काली टिकिया है उसको हम गति देंगे, गर्दन को स्थिर रखेंगे और हाथों की बनाएंगे प्राण मुद्रा। थर्ड और फोर्थ फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएंगे, सेंस दोनों उंगलियां सीधी। ये मुद्रा आंखों के लिए बहुत अच्छी है, तो इसी मुद्रा में हम आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ थाई पे रख दीजिए, श्वास भरते हुए आई बॉल्स को आंखों के गोलक को ऊपर की ओर ले जाएं, छत को देखें, अप डाउन, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप, होल्ड करें, डाउन। नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर आइज, श्वास भरते हुए राइट साइड, छोड़ते हुए लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड फिर राइट साइड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, संपन्न। अब आई बॉल्स को गोलाकार घुमाएंगे क्लॉकवाइज, सांस भरते हुए अप राइट, नीचे लेफ्ट, गोलाकार घुमाइए, अब उल्टी दिशा में चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। श्वास भरकर रोक भी सकते हैं या नॉर्मल भी, जैसा आपसे जमे वैसा। यस, अप लेफ्ट डाउन राइट, घुमाइए गोलाकार, संपन्न, रिलैक्स, श्वास मंद और शांत, प्राण मुद्रा बनी रहे। तैयार नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, श्वास भरें, श्वास को बाहर छोड़ दें, बाहर रोक दें और आंखों को तेजी से टिमटिमाएं। यस, भरें श्वास, छोड़ें, बाहर रोक दें और टिमटिमाएं। संपन्न, एक बार और भरे श्वास, छोड़े भाई कुंभक, टिमटिमाए, संपन्न, रिलैक्स। तैयार, अब तिरछी नजर, राइट में ऊपर देखेंगे, लेफ्ट में नीचे। यस, राइट अप लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन, राइट अप लेफ्ट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, संपन्न। अब आंखों के चारों ओर गोलाकार में ये हड्डी है कटोरी नुमा, उस पर दो उंगली से मालिश करेंगे। यस, गोलाकार में मालिश। अब उल्टी दिशा में
सांपान। अब आंखों के नीचे तीन अंगुलियां स्थापित करके स्किन को नीचे की ओर खींचेंगे, हड्डी के बाद पर लगाएंगे और नीचे खींचेंगे। जिन लोगों को आंखों में बहुत गर्मी है, जैसे तुरंत ठंडक मिलती है, यस ढीला छोड़े, एक नीचे की ओर खींचे, दो ढीला छोड़े, एक दो सम्पान। अब दोनों तेलों में करें घर्षण, करे गर्म तेजी के साथ आंखों पर हल्की स्पर्श से मालिश, हथेलियों की उष्मा आंखों तक पहुंचे। एक बार और रब योर पाम्स, हथेली में गड्ढा, संपुट का आकार, आंखों पर स्थापित, आंखें बंद, अनुभव करें आंखों की रोशनी बढ़ रही है, आंखों के सभी विकार दूर हो रहे हैं, अंदर सघन अंधेरा, इस अंधेरे में आंखें खोलकर तेजी से टिमटिमाएं, धीरे धीरे अंगुलियों के छिद्रों से आते हुए प्रकाश को देखते हुए नीचे की ओर आए। एक बार और करे घर्षण, गरम गड्ढा, संपुट का आकार, आंखों पर स्थापित, अनुभव करें मेरी आंखों की रोशनी बढ़ रही है, आंखों के सभी विकार दूर हो रहे हैं, अंदर सघन अंधेरा, अब इस अंधेरे में आंखें खोलकर तेजी से टिमटिमाएं, धीरे धीरे उंगलियों के छिद्रों से आते हुए प्रकाश को देखते हुए नीचे की ओर देखे, फिर सामने की ओर देखे। इस तरह ये आंखों की एक्सरसाइज आप नियमित करिए, प्रातः का उठते ही इस तरह संपुट का आकार बनाइए, मटके का ठंडा पानी या तांबे के बर्तन का पानी लेकर इसमें आंखों को टिमटिमाना है, इससे भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। आपके घर में, फ्लैट में, खिड़की के सामने अगर ग्रीन वृक्ष है, झाड़ है, उसको लगातार देखिए, इससे भी हमारी आंखें स्वस्थ रहती है। ट्रेन में, बस में, रिक्शे में न पड़े, धूल और धूप से आंखों को बचाएं तो आंखें हमारी सुरक्षित रहती है, क्योंकि आंखों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मस्तक की क्रिया से, इससे मस्तक के दोषों का निरोध होता है, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, हमें शरीर के एक एक अंग की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जिससे वो भाग भी सक्षम बन सके और पावरफुल बन सके। तो दोनों हाथ कंधों के समानांतर, हथेलियां छत की ओर, मस्तिष्क के अग्रभाग पर थपकी लगाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। दोनों तीरों में घर्षण करेंगे, करे गरम पूरी ललाट की मालिश, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सम। अब मस्तिष्क और ललाट और कनपटी की स्नायुओं को तनाव देकर ढीला छोड़ेंगे, श्वास भरते हुए छत को देखेंगे और पूरी ललाट पर सलोटे गिरेंगी, यस अप डाउन, ललाट पर सलोटे अप डाउन, होल्ड करना है, अप डाउन, अप, थोड़ी देर रुके, डाउन, अप डाउन सम। अब हम करेंगे, लेंगे और श्वास छोड़ेंगे, सामने एक बिंदु पर दृष्टि टिकाएं और सरलता से सीधे बैठते हुए तेजी से श्वास लें और छोड़ें, यस। पहले श्वास भरें, स्टार्ट, सम्पन्न, डीप ब्रीदिंग, एक बार और लेंगे और छोड़ेंगे,
समर्पण। हाथों की मुद्रा बनाएंगे, उंगली के अग्रभाग नाखून के नीचे के वाले भाग से सिर पर प्रेशर देते हुए पीछे की ओर बीच से जाएंगे इस तरह। अब इसमें रुक कर भी जा सकते हैं, रुकें, प्रेशर दें, आगे बढ़ें, प्रेशर दें, रुकें और आगे बढ़ें और आगे सम। अब जो ये उभरा हुआ भाग है यहां से इस तरह प्रेशर देते हुए पीछे जाएंगे। सिर दर्द, मस्तिष्क में कोई भी प्रॉब्लम हो इससे धीरे धीरे दूर होती है। और रुकते हुए भी इस तरह प्रेशर देते हुए जा सकते हैं, दें प्रेशर, आगे बढ़ें, दें अब कान के ऊपर, यस, रुक रुक कर भी कर सकते हैं, थोड़ा प्रेशर देते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह मस्तक की क्रियाएं, इससे मस्तक के दोषों का निरोध होता है। अब इसमें एक क्रिया और कर सकते हैं, इस तरह हाथ को पीछे ले जा सकते हैं, इस तरह पूरा प्रेशर देते आगे से पीछे, अंगूठा कान के ऊपर से होकर जाए और पूरा।